ये क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है, शादी पे मिले हुए तोहफे शौहर और ससुराल वालों से छुपाने की तैयारी हो रही है? नहीं नहीं, छुपाया क्या तुमने? क्या है तुम्हारे हाथ में? ये वो अदील ने, मेरा मतलब कि अदील ने मुझे शादी पे तोहफा दिया। अच्छा, मजर को तो कुछ नहीं दिया उसने, तुम्हें क्यों दिया? हमारे मेहमानों की तरफ से मिले हुए तोहफों को तुम मैके का नाम लगा रही हो? किस चोर घराने की लड़की हम उठा के ले आए? तुम्हें पता है कि शादी पे दुल्हन को मिले हुए तमाम तर तोहफे ससुराल वालों की मिल्कियत होते हैं। लिहाजा ये सब कुछ उठाओ और मेरे सामने पेश करो। जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो, समझी? ये सब सामान उठाओ और नीचे मेरे पास ले जाओ। जी। चीज़ कब आएगी? लंबा ही हो गया ये। अम्मी ये वो सारे गिफ्ट्स हैं। ये क्या? तुम अपने मियाँ की नजरों से उसकी माँ को गिराने की कोशिश कर रही हो? देखा इस लड़की की सियासत? इसकी मासूमियत देख के हमने इसको इस घर की बहू बनाया, और ये तो पूरी की पूरी मीठी छुरी है भाई। भाभी, वैसे एक बात तो बताएं, ये इतने कमाल के आइडियाज कहां से लाती हैं आप? ये सब क्या है कोमल? अम्मी ने कहा था ये सारे तोहफे मैं उनके पास लेकर आ जाऊं, तो मगर मौका गनीमत समझ के मैंने अपनी सास का जुर्म दिखाने के लिए ये पोटलियां ले आई। भाभी, खुदा के लिए हमें माफ कर दें, हमने ऐसा क्या किया है आपके साथ? हाँ, जो पहले दिन से ही इस घर को तोड़ने के चक्कर में लगी हुई है। मैं तो हैरान हूँ कि ऐसे कौन से माँ बाप है जो अपनी बेटियों को ऐसी तरबियत देते हैं। अम्मी प्लीज, आपको कोई हक नहीं पहुँचता मेरे माँ बाप की तरबियत पे उंगली उठाने का। आपको जो कहना है आप मुझे कह सकती हैं, पर मैं अपने घर वालों के लिए कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। देख रहे हो मजहर, इसकी गज भर की जबान कैसे अंगारे उगल रही है। ये मामला अब हमारा मामला नहीं रहा, ये तुम्हारा मामला है, और इसको जितनी जल्दी समेट लो उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। कोमल, ये तुम किस अंदाज में मेरी मां और बहन से बात कर रही हो? चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां से ऐसे बात करने की? किसी ने आज तक मेरी माँ से ऐसे बात नहीं की।